नमस्कार आदाब एंड सत श्रीकाल दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, गल्फ टुडे ने छापा है, जो यूएई अथॉरिटीज़ है उसने अपना जो फीस है वो बढ़ा दिया है। तो फीस किस किस सेक्शन में बढ़ा हुआ है, किस सेक्टर में बढ़ा हुआ है, वो हम बताएंगे इस वीडियो में आज। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो अंत तक देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर, जो फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी सिटीजनशिप्स है, वो कस्टम एंड पोर्ट सिक्योरिटी है, उसने क्या कहा है अभी एमरेट्स आईडी पर, वीजाज पर, और ट्रैवलिंग वीजाज, टूरिस्ट वीजाज, या फिर रेजिडेंसी वीजाज, जितने तरह के भी वीजाज होते हैं उन पर, सब पर 100 दरम तक का जो अपना फीस है वो बढ़ चुका है। अगर आप भी नया एमरेट्स आईडी बनाने जा रहे हैं या एमरेट्स आईडी आप रिन्यूअल कर रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अब जो आपकी कंपनी है वो 100 दरम और ज़्यादा आपकी सैलरी से काटने वाली है, क्योंकि ये फीस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इन्होंने अपना डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये फीस अब बढ़ेगी, ये गवर्नमेंट की तरफ से फीस बढ़ाई गई है, तो डेफिनेट सी बात है ये भी इस फीस को बढ़ाएंगे। और 100 दरम हर सर्विस में ये फीस को बढ़ाया गया है। ये जो फीस हाइक हुई है, ये हमने पहले ही आपको बता चुके हैं, ये हाइक कर दी गई है आपके विजिटर्स कार्ड में है, आपके रेजिडेंसी कार्ड है, या विजिट वीजाज है, इनमें सब में ये फीस बढ़ाई गई है। और जो एमरेट्स आईडी है, अब वो 370 दिरहम तक का एमरेट्स कार्ड को जो फीस है वो लगेगी, जो काफ़ी ज़्यादा है, पहले थोड़ा कम थी अभी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से जो फीस है वो काफ़ी दिन प्रतिदिन यूएई में बढ़ रही है, और महंगाई भी हम देखें तो यूएई में भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, कम नहीं हो रही है। इसलिए अगर आप नए जॉब सीकर हैं दोस्तों, तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी जॉब के लिए इधर आ रहे हैं तो कम से कम 1500 दिरहम से भी अगर लेबरी में आपको कम मिल रहा है तो इधर नहीं आने का है, क्योंकि इधर आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ में आपका इंक्रीज ही इंक्रीज़ हो रहा है, सारे पैसे जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे, फिर घर क्या भेजेंगे, फैमिली से दूर रह के, परिवार से कट के अगर आप इधर आए और आपके पास वो पैसा नहीं बचा तो इधर आने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए लेबर में, कारपेंट्री में, किसी भी अगर अनस्किल्ड में अगर आप आ रहे हो या स्किल्ड में अगर आप आ रहे हो, तो 3000 मिनिमम सैलरी डिमांड कीजिए, और अगर आप अनस्किल्ड में आ रहे हो तो 1500 दिरहम आप कम से कम आप डिमांड कीजिए। 1500 बोले तो इंडिया का कम से कम 30000-35000 बनता है। और ओवर टाइम का दोस्तों कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा कम होता है कंपनी के पास, कभी ओवर टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, उस भी अगर आप कहोगे तो आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर होगा, जो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सैलरी 8 घंटे की शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही आने की कोशिश करें, और इतने कम पैसे में ना आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो प्याज पहले 25 फाइल्स की आती थी, आज 3 दिरहम्स के अप्रोक्स पहुँच चुकी है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कितनी ज़्यादा महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे अपने वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे जय हिंद, जय भारत।